मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं धमचिक धमचिक के चुनावी यात्रा में। इस वक्त हम नागौर में हैं और अही छत्रपुर में जो हमारे साथ हैं वो किसी ज़माने में कांग्रेस में हुआ करते थे और अब उन्होंने आरएलपी का दामन थाम लिया है। सारे सवाल होंगे, कड़वे सवाल होंगे, तीखे और खट्टे मीठे सवाल होंगे। आज हमारे साथ में हमारी चुनावी यात्रा में आरएलपी की तरफ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार जो हैं शमशेर खोकर, वो हमारे साथ में हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। एक क्रिकेटर जो है वो राजनीति में चला आया। क्रिकेट छोड़ने के बाद में मेरी शुरू से इच्छा रही राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करूं, इसलिए राजनीति में आया। राजनीति में आए और फिर कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के खेल कूद के प्रकोष्ठ के आप प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। हाँ, और फिर वही कांग्रेस उससे बागी हो गए। कांग्रेस में आने के बाद में मैंने बहुत सारे पदों पर कांग्रेस में मैं रहा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का भी मैं स्टेट्स कन्वीनर रहा और फिर मेरे को कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस की मैंने बहुत सेवा करी और मैं टिकट का भी प्रबल दावेदार था। पिछली बार भी मेरा बहुत अच्छा नाम चला और इस बार तो लगभग मेरा तय था, लेकिन वही आपको जानकारी है, हमारा जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो थे उनका एकदम से मन हो गया, बोले यार बीजेपी से मन भर गया। आखिर तक तो नहीं भरा था, बीजेपी ने टिकट देने से मना किया तो हबीबुर रहमान फिर घर वापसी कर ली। तो उनका जैसे ही टिकट कटा, कटते ही उन्होंने पहले तो जिस पार्टी से मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ उस पार्टी से संपर्क किया, फिर उनको लगा कि एक ट्राई क्यों नहीं कांग्रेस से कर ली जाए। तो कांग्रेस ने उन पर ज़्यादा भरोसा किया और आप पे नहीं किया? मेरे पे कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का मेरे पे भरोसा था, लेकिन पता नहीं लास्ट मोमेंट में नेताजी ने क्या गोटी फिट करी कि टिकट उनको मिल गया और फिर आप किसानों वाले पाले में आ गए। नहीं, मैं शुरू से किसान समर्थक कर रहा हूँ क्योंकि किसान परिवार से हूँ मैं, तो मैं तो किसानों का हमेशा इतने से रहा हूँ और फिर ये पार्टी मेरे को ठीक लगी और जनता का दबाव था मेरे पे 70 का विधानसभा के लोगों का, सभी 36 कौम के लोगों को मैंने दिल्ली से भी फ़ोन किया, जयपुर से भी किया और पर्सनली आके लोगों से मिला, तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो और हम आपको समर्थन देंगे। 60,000 से भी ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं यहाँ पर, तो आरएलपी ने भी तो कुछ कार्ड खेला होगा। नहीं, मुस्लिम वोट नहीं, हम तो 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के ही राजनीति करते हैं। भी ऐसी बातें कहते हैं कि वो 36 कौम के नेता हैं लेकिन बार बार दल बदलते हैं। हबीबुर रहमान की पोल पट्टी तो आपके सामने खुल चुकी है, वो एमएलए बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी राजनीति कार्ड खेल सकते हैं, तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वो मेरे आदरणीय रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अब सवाल ये है कि जब आप मुस्लिम वोटों की आप बात कर रहे हो तो जातिगत राजनीति तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। सबसे पहले कहीं भी आप रेलवे का टिकट भी खरीदोगे तो सबसे पहले उसमें जाति लिखनी पड़ती है, तो ये सब तो बेकार की बातें हैं। जाति तो सबसे पहले है, जाति और समाज, आदमी सबसे पहले, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है। लेकिन फिर 36 कौम की बात भी आप लोग कर रहे हैं और कल शायद यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी पहुँच रहे हैं। हनुमान जी कल आ रहे हैं, 36 हेलीकॉप्टर से पहुँचेंगे? नहीं, हेलीकॉप्टर से आएंगे। 36 कौम को साथ लेके ही अगर आप राजनीति करोगे, समाज की सेवा करोगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी, और 36 कौम को साथ लेके जो राजनीति नहीं करेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमने एक दीगर सवाल पूछा था कि हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं। हेलीकॉप्टर से आने वाले किसानों के नेता कैसे हो गए? समय कम है, हनुमान बेनीवाल तो सड़क का नेता है लेकिन समय कम है, समय को बचाने के लिए, क्योंकि 60 जगह प्रत्याशी खड़े हैं तो 60 जगह बिना हेलीकॉप्टर के जाया जा नहीं सकता। हमने एक सवाल हनुमान बेनीवाल से भी पूछा था और आपसे भी पूछ लेते हैं, उनके जवाब अलग थे, हो सकता आपका जवाब अलग हो, कि आपको आपकी जो पार्टी है उसको बी टीम कहा जाता है। देखो, राजनीति में सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि जब किसी पे आपका बस नहीं चलता है, आपकी पार नहीं पड़ती होती है, तो आरोप लगा दो। कोई महिला है राजनीति में आगे आ रही है तो उस पे आरोप लगा दो कि भाई इसका करेक्टर ठीक नहीं है। कोई आदमी है जैसे अच्छा काम कर रहा है तो कोई ना कोई तो आरोप लगा दो उस पर, तो आरोप पे चलती है, आप आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। आरोप तो आप भी हबीबुर रहमान पर लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने बार बार पार्टी बदली, कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, लेकिन फिर भी जनता ने भरोसा कर लिया। क्या पार्टी से ऊपर उठ गए? जनता ने कहाँ भरोसा किया, इस बार कर लेगी क्या जनता भरोसा? ये तो समय के गर्भ मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार जनता से उनका पूरा मन ऊब चुका है, जनता नकार चुकी है पूर्णतः हबीबुर रहमान जी को। एक बार आदमी पार्टी चेंज कर लो, दो बार कर लो, इनका तो काम ही हो गया, कभी इधर कभी उधर,
तो जनता के समझ में आ गई। मंत्री भी रहे और 5 बार विधायक भी। बिल्कुल रहे, और सबसे बड़ी बात है नागौर की जनता के लिए एक खुशखबरी ये है कि उनके पास पहले ऑप्शन नहीं था, लोगों के पास 5 साल बीजेपी से दाब के तंग आ जाते थे, कांग्रेस को दे देते, कांग्रेस से तंग आते तो बीजेपी को दे देते, ऑप्शन नहीं था। इस बार ये जो थर्ड फ्रंट है, ये राजस्थान में एक ऑप्शन बन के आया है। फिर नागौर के लिए सबसे बड़ी एक अच्छी, लोकल आदमी में नागौर का, नागौर में जन्मा जाया, पढ़ा लिखा, क्रिकेट खेली, सब जगह गली गली से मैं वाकिफ हूँ। लोगों में बड़ा उत्साह है कि हमारा शमशेर आ गया, तो लोग मुझे बहुत जबरदस्त, गलियों में जा रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो खिलाड़ी की खेल भावना जो है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, तो उससे कौन कौन से काम करके दिखाने वाले नागौर को अगर आप आए तो? मैं अगर विधायक, नागौर का विधायक बनता हूँ तो 36 कौम के लोगों को साथ लेके सेवा करूँगा, राजनीति करूँगा, नागौर का विकास करूँगा, युवाओं के लिए रोजगार के लिए इनके लिए प्रयास करूँगा, इनके जो भर्तियाँ हाईकोर्ट के थ्रू जैसे भी सरकार की गलत नीतियों की तरफ रुकी पड़ी है उनको खुलवाने का प्रयास करेंगे। समस्याएं कौन कौन सी? समस्या तो नागौर के अंदर सारी समस्याएं हैं और कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो नागौर में वर्तमान विधायक की ही समस्या है, एक तो इसको खत्म करना है। ये तो आपके स्तर पर एक समस्या हो सकती है, लेकिन आप कौन कौन सी समस्याएं देखते हैं धरातल पर जो आप ठीक करेंगे? चिकित्सा, स्वास्थ्य, और आपके बिजली की जो वजह किसानों को बड़ी परेशानी है, हमारी पार्टी का एजेंडा है जैसे किसानों को मुफ्त बिजली देंगे राजस्थान में, ये कितनी बड़ी बात है बताओ आप, मुफ्त बिजली। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो में तो ये बात भी है कि आप टोल भी मुक्त कर दें। टोल मुक्त राजस्थान का तो हमारी पार्टी पिछले 2-3 साल से चिल्ला रहे हैं, हम टोल मुक्त और किया हमने राजस्थान में, स्टेट आई आप टिकटें उतनी नहीं ढंग से नहीं बांट पाए, और फिर कुछ अगर हमारे 25 विधायक भी हमारे जीत जाते हैं ना तो हमारी सरकार के अंदर भागीदारी रहेगी, मतलब रोड़ा अटका देंगे। रोड़ा नहीं, हम समर्थन तो लेंगे नहीं किसी से, ना तो लेंगे ना देंगे, वापस कराएंगे चुनाव। चुनाव वापस करवाएंगे तो क्या ये जनता पर दबाव नहीं है? नहीं, दबाव काएगा, अगली बार पूरा समर्थन मिलेगा, 200 पे लड़ाएंगे, 200 पे लड़ा देंगे। आप इस बार भी 200 की बात कर रहे थे, इस बार समय कम था, समय कम होने की वजह से 200 पे नहीं लड़ा पाए। हमारे साथ में रूबरू होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, किसी नए शहर में आपके साथ में होंगे, तब तक आप धमचिक मचाते रहिए।